एक बार फिर से लेकर आ चुकी हूँ आपके सामने तीरंदाज हिस्ट्री। आज हम जानेंगे 22 जुलाई के इतिहास के पन्नों में क्या हुआ था खास। आज ही के दिन हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, यानी आज हम जिसे अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं उसको आधिकारिक तौर पर मान्यता आज से ठीक 75 वर्ष पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में दी गई थी। क्या आपको पता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा बहुत लंबी है। इसके आधिकारिक रूप को मान्यता मिलने से पहले राष्ट्रीय ध्वज के कई रूप सामने पेश किए गए थे। भारत का गैर आधिकारिक लेकिन पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक में फहराया गया था। इस झंडे को लाल पीले और हरे रंग की 36 पट्टियों से बनाया गया था। भारत के दूसरे झंडे को पेरिस के मैडम कामा और 1907 में उनके साथ कुछ क्रांतिकारियों की ओर से फहराया गया था। यह हमारे पहले ध्वज के ही समान था लेकिन इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था और 7 तारे जो सप्त ऋषि को दर्शाता है। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित हुआ था। 5 वर्षों तक तकरीबन 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में गहराई से रिसर्च करने के बाद 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सबसे पहले अपनी संकल्पना को पेश किया था। इस ध्वज में 2 रंग थे, लाल और हरा। ये क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरे धर्म के लिए महात्मा गांधी ने इसमें सफेद पट्टी को भी शामिल करने की बात रखी थी। इसके साथ ही यह सुझाव भी दिया कि राष्ट्रीय की प्रगति के सूचक के रूप में इसमें चरखे को भी शामिल किया जाए। उसके अगले एक दशक के बाद 1931 में तिरंगे को कुछ संशोधनों के साथ राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके मुख्य संशोधनों के तहत लाल रंग की जगह केसरिया ने ले ली। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे अंगीकार किया। आजादी के बाद भारत की आन बान शान की नुमाइंदगी का ये प्रतीक बना। हालांकि बाद में इसमें मामूली संशोधनों के तहत रंग और उनके अनुपात को बरकरार रखते हुए चरखे की जगह केंद्र में सम्राट अशोक के धर्म चक्र को शामिल किया गया।